इसे कहते हैं राजा होने के फायदे, है ना। ऑस्ट्रेलियन पूरी क्रिकेट टीम के साइंड लेटर, ये देखो राजाओं की करतूत, इतना सुंदर टाइगर मार दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चेजिंग हैप्पीनेस। आज हमारे झांसी और ग्वालियर ट्रिप का है सेकंड डे और आज हम लोग निकले हैं ग्वालियर को एक्सप्लोर करने के लिए। आज सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ के कुछ फेमस फूड आइटम्स टेस्ट करेंगे, जैसे कि कचौरी, यहाँ का फेमस लड्डू, इमरती एक्सेट्रा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे जेबलास पैलेस और ग्वालियर फोर्ट घूमने के लिए। ये जो हम जगह आए हैं वो है बैजा ताल। यहाँ से हम लोग कल रात में होकर निकले थे, तो हम लोगों ने रात में लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो रही थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर सुबह के टाइम आएंगे, तो सुबह की यहाँ पर आके कैसा लगता है, क्योंकि रात में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइट्स वगैरह के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर यह है कि शायद बोटिंग वगैरह भी होती है और इसके अलावा बीच में स्टेज बनी हुई है, तो यहाँ पर बताते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी बड़े लोग एक्टर्स वगैरह ने भी यहाँ पर परफॉर्मेंस की हुई है। तो जगह अच्छी है, अगर आप सुबह मतलब यहाँ पर आराम से आ सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, या फिर थोड़ा सा भी पीसफुल चाहते हैं कि हाँ पीसफुली बैठे रहें कहीं पर शांति से, तो यह कि उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। पानी थोड़ा सा अभी गंदा हो रहा है, शायद बोटिंग अभी रुकी भी हुई है वैसे, लेकिन ओवरऑल अच्छा एरिया है। अच्छी अब हम लोग आए हैं यहाँ पर छोटेलाल कचौरी वाले के पास कचौरी ट्राई करने के लिए, तो इसे ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसी है ये। इन्होंने लेकिन ये जो कचौरी हमें दी है वो पत्तों से बने हुए एक दोने टाइप में दी है, और ये लोग कोई स्पून वगैरह नहीं देते हैं, आपको हाथ से ही ये खानी होती है। और ये जो पत्ते में ऐसे सर्व किया ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऑथेंटिक सा फील करवा रहा है आपको, तो खाके फिर आपको बताते हैं कि कैसी है। काफी टेस्ट बहुत अच्छा है, इवन जो इसकी क्रिस्पीनेस है अंदर, फिलिंग वगैरह जो है वो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी बनी हुई है। अब हम लोग लेके आए हैं इनसे ये इमरती, क्योंकि ये इमरती के लिए भी फेमस है। और इनके पहले मैं आपको प्राइस बता दूं कि दोनों का ही 10-10 रुपीज प्राइस है, इमरती भी इनकी 10 रुपए की है और कचौरी भी 10 रुपए की ही है। तो इसे टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये इमरती खाके देखा मैंने, तो मैं आपको पहले इसका टेस्ट बताऊं कि काफ़ी क्रिस्पी है और जो इसमें चाशनी है मतलब मीठा उतना तेज नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लिमिटेड है, तो इसलिए यह कि अच्छी लगी और खा के लग रहा है कि हाँ दोनों मतलब सही जगह आए हैं, कचौरी भी अच्छी थी और ये भी बहुत अच्छी है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं महाराजवाड़ा। ये जो जगह है वो अपनी बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है वो नॉर्मल इंडियन आर्किटेक्चर नहीं है, कोई रोमन है कोई इटालियन है, इस टाइप के हैं। ये अगर आप मेरे सामने देखें तो ये जो बिल्डिंग है ये विक्टोरिया मार्केट थी, लेकिन ये पहले थी, अब इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1-2 महीने के अराउंड में जहाँ तक है वो म्यूजियम बन के रेडी हो जाएगा। और अगर सामने देखें तो ये जो मेरे इधर लेफ्ट साइड है वो है पोस्ट ऑफिस है, बिल्कुल सामने वो है SBI का ऑफिस,
और ये जो मेरे साइड में है ये है टाउन हॉल, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एसएस कचोरी वाले के यहाँ। ये भी यहाँ पर बहुत फेमस है, ग्वालियर की फेमस शॉप है ये भी, और यहाँ हमने इनसे ली है एक कचोरी और एक बिड़ी, वो भी आलू की सब्जी के साथ। तो इसको खा के टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे। इनकी कचौरी टेस्ट करने से मैं इसका टेस्ट बताती हूँ आपको। जो आलू की सब्जी है वो मतलब यह है कि थोड़ी सी तीखी है खाने में, कचौरी के साथ उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, खट्टी है थोड़ी सी, और जो इसकी फिलिंग है कचौरी की क्रिस्पीनेस बहुत सही है, काफ़ी क्रिस्प है, अंदर फिलिंग वगैरह अच्छी है। इवन हमने जो छोटे लाल की कचौरी अभी ट्राई करी थी उसकी और इसकी, दोनों की कचौरियाँ, दोनों की अलग फ्लेवर है, अलग अपना अपना वो है कि दोनों ने बहुत टेस्टी बनाई हुई है, तो आप दोनों ही जगह आके ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ इनकी कचौरियाँ ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि खाने में काफ़ी अच्छी है। हम लोग आए हैं यहाँ बहादुरा स्वीट्स पर, इनका लड्डू और गुलाब जामुन काफ़ी फेमस है यहाँ पर, तो इनको हम खा के आपको बताते हैं कि ये कैसे हैं। मैंने बूंदी का लड्डू टेस्ट किया, बूंदी का लड्डू काफी सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी बनाया हुआ है, और मिठास बिल्कुल मतलब वो वाली है कि आपको ज्यादा मीठा नहीं लगेगा, बिल्कुल एक्यूरेट डला हुआ है। और गुलाब जामुन भी उतना ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह सुबह अभी इन्होंने बनाए हो। और टेस्ट में मिठास की बात करूँ तो दोनों में ही बिल्कुल एक्यूरेट मीठा है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज मीठा है या बहुत कम मीठा है, दोनों बहुत एवरेज है, मतलब सही है। इन्होंने अपनी शॉप में ना कोई भी शोशाबाजी नहीं कर रखी है, कोई ऐसा हाई क्लास बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, लेकिन जो इनके तो मिठाई का टेस्ट है वो एक नंबर है, सच में बहुत टेस्टी है। कुछ भी कहिए, ग्वालियर में सुबह सुबह निकलने से एक चीज़ तो पता चल गई कि यहाँ पर भी बिड़ई, जलेबी, कचौरी, इन चीज़ों का नाश्ता उतना ही फेमस है जैसे कि आगरा में। आगरा में भी सुबह सुबह यही हाल होता है। सुबह जब हम लोग पहुँच चुके हैं जय विलास पैलेस घूमने के लिए, जो कि ग्वालियर घराने का महल है, तो देखते हैं क्या कुछ है जो म्यूज़ियम में इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ और कितना घूम सकते हैं। ये हमने टिकट ली थी 300 रुपीज़ ईच की, ये हम देखने जा रहे हैं। सो ये देखिए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए टिकट फ्री है, बाकी इंडियन सिटीजन्स के लिए 300 रुपीज़ की है। सो वाइट पैलेस है ये, इंडियन वाइट हाउस, और ऑब्वियसली ग्वालियर घराने की जो राजशाही है और जो उनका रुतबा है वो काफ़ी बड़ा है हमारे इंडिया में, तो देखते हैं कैसा कुछ है।
मुझे यहाँ पे ट्राम दिख रही है, सो रोल्स रॉयस रेलवे कोच है भाई साहब। देखो रेलवे कोच भी रोल्स रॉयस ने डिज़ाइन किए हैं ये वाले। सो जो हम ग्वालियर रोड पे थे तो वहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा ऐसा देखा जैसे ट्राम की पटरियाँ बिछी हुई हैं। सो अगर किसी को पता है कि ग्वालियर में कभी ट्राम भी चलती थी क्या, तो प्लीज़ बताएं। सो दिस इज जयविलास पैलेस, ये देखिए। ऑब्वियसली ये फ्रंट एंड तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ये म्यूजियम के लिए ओपन है। जो मेन एंट्रेंस होगी जहाँ से सिंधिया परिवार जाता है, वो तो दूसरी ही होगी, तो उसकी रॉयल्टी तो और ज़्यादा ही अच्छी होनी चाहिए। बट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मेंटेन्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि राजघराना अभी भी यहाँ पे रहता है, काफ़ी मेंटेन्ड है ये। ये पूरे उनके वंशावली है शायद, जो सारे सारे राजा रहे हैं सिंधिया परिवार से। ये देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने रॉयल अटायर में, और अगर आपको शौक है पढ़ने का तो ये देखिए ये सारी उपाधियाँ उन्हें अलग अलग टाइम पे मिली जो ग्वालियर राजा थे। तो ये स्टेयरकेस से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर का पूरा सेक्शन देख के। काफ़ी अच्छा, वेल प्रिजर्व्ड आई वुड से, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं ये लोग चीज़ों को। ये देखिए लैम्प, मार्बल लैम्प। बचपन में मेरे पास एक कार थी ऐसी पैडल वाली, और यहाँ पे सिंधिया परिवार के पास एरोप्लेन है पैडल वाला। ये देखो BMW का ऑटो, मतलब थ्री व्हील कार। एंड दिस, ये देखो राजाओं की करतूत, इतना सुंदर टाइगर मार दिया, इसीलिए तो टाइगरों की कमी हो गई है अब हमारे देश में, जो इन राजाओं ने शिकार कर करके सब मार दिया। और ये देखो डाइनिंग एरिया, ये देखिए ट्रेन जो कि पटरी पे डाइनिंग टेबल पर चलती है। सही, कुछ ज़्यादा ही ह्यूज झूमर है। ऊपर छत देखो, पूरा गोल्डन वर्क, अब मे बी ये असली गोल्ड है। सो अब हम लोग जयविलास पैलेस पूरा घूम के निकल रहे हैं आगे के लिए, सब फोर जाते हैं। तो म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है जयविलास पैलेस में, कुछ एरिया म्यूज़ियम के लिए, बाकी उनके रेजिडेंट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। सो काफ़ी मेंटेन्ड है आई वुड से, चीज़ें काफ़ी कुछ रखी हैं और उनकी रॉयल्टी को क्लियरली डिपेक्ट करता है जयविलास पैलेस। सो आप कभी भी इस साइड आ रहे हैं, ग्वालियर आ रहे हैं, तो एक बार तो आना बनता है, आप आ सकते हैं यहाँ पे आराम से, आप 2 घंटे घूम सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं।